रहीम अल्लाहुम्मा सल्लल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आगा को मौलाना साहब को हमने मदु किया है आज के प्रोग्राम में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका ताल्लुक जो है इनका ताल्लुक 27 साल से हौज़े अलमिया कुम में दीनी उलूम से वाबस्ता है। अलमुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शुबे कुरान में PhD के फाइनल थीसिस लिखने में मसरूफ हैं, और ईरान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जैसे कि अलमुस्तफ़ा ओपन यूनिवर्सिटी, इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी और जामा अलमिया इमाम मेहदी और जामा अलमुंतज़र में मुख्तलिफ दीनी लेक्चर देने में मसरूफ़ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है इनसे कहूँगा कि कुछ हमें इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताएं, ताकि हमारे ये प्रोग्राम जो है बड़े तो देखते देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, ताकि उनकी मार्फत जो है बढ़े और वो समझें इस चीज़ को। तो बताएं मौलाना साहब, इनका नाम करता हूँ डॉक्टर फाजली साहब से, कि फाजली साहब आप कुछ बताएं इमाम जाफ़िर सादिक की जिंदगी के बारे में, इखलाक के बारे में। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। आपकी खिदमत में और आपकी पूरी टीम की खिदमत में और कायम टीवी के तमाम मेंबरान की खिदमत में और सामीन और नाज़रीन की खिदमत में हदीये तबरीक और तहनियत पेश करता हूँ, और बारगाह इलाही में दुआगो हूँ कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और मोहम्मद आले मोहम्मद की सीरत पर चलने और इनकी सीरत पर अमल करने और आखिर में इनकी शफात नसीब फरमाएं। आमीन। जैसा कि आपने फरमाया कि इमाम जाफर सादिक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूं, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शान में अगर गुफ्तगू करूं तो इसके लिए रसूल गिरामी इस्लाम की शख्सियत जैसी और उस हस्ती जैसी हस्ती चाहिए कि इमाम जाफर सादिक के हवाले से गुफ्तगू करूं। लेकिन बेनवान एक तिफल मकतब कुछ मतालिब मैं लेकर आया हूं सामिन और नाजरीन की खिदमत में, कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खुद यही सिफत या लकब से ही मालूम होता है कि सादिक आल मोहम्मद कहा जाता है इमाम सादिक को, कि सच्चाई की बुलंदी पर फाइज इमाम है, जिसकी सच्चाई हर कस नाकस दोस्त और दुश्मन कायल थे कि इमाम सादिक आल मोहम्मद थे। इल्मी हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो इमाम की सच्चाई पर सब बोलते थे और सब गवाह थे। अगर किसी से कोई वादा करे तो उस वादा वफाई में इमाम सबसे आगे थे। तो लिहाजा दोस्त और दुश्मन कायल थे कि इमाम सादिक आले मोहम्मद थे, सच्चाई की इंतहाई औज मंजिल पर फाइज इमाम, इसलिए इमाम के अलका में से सादिक आले मोहम्मद थे। आपकी विलादत बासादत जो है सितारा रबिल अव्वल यानि सन 83 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में हुए, और इसी तरह नीमा माह रजब यानी रजब की 15 तारीख या शवाल की 15 तारीख 128 हिजरी और 66 साल में आपकी जो है शहादत हुई और आप इस दुनिया से रुख्सत हुए, और आपकी जो है 12 साल जिंदगी अपने जद्द बुजुर्गवार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ आपने जिंदगी गुजारी, और इसी तरह 19 साल आपने जो है अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ आपने जिंदगी गुजारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इमाम सादिक की अजमत ये है कि 12 साल तक जो है आप दो मासूम के साथ आपने जिंदगी की, एक जो है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो आपके जद्द बुजुर्गवार हैं, और अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ आपने 19 साल जिंदगी की, और इमाम की शहादत के बाद इमाम बाकिर के इस दुनिया से जाने के बाद तकरीबन 34 साल आपने
मकतब अहल बैत की इमामत की और लोगों को खुदा तक पहुँचाने के लिए, मारिफ दीन को पहुँचाने के लिए आपने जहमतें की और इंतहाई कोशिश की, और वाकयान इमाम की खिदमत तमाम आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए काबिल दीद और काबिल तारीफ है। कि अगर इसी पे गुफ्तगु करूं तो वक्त सारा इसी में चला जाएगा जो इमाम की खिदमत है। जी अच्छा, फरमाए आप सर। जी इमामत का आपने इमामत की कितनी मुद्दत थी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की? अलबत्ता मुख्तसर इख्तिलाफ है, लेकिन जो अक्सर जो मशहूर जो कौल है 34 साल, 34 साल जो है आपने इमामत की है जी, अपने वालिद बुजुर्गवार के बाद। तो आपके उम्र शरीफ जो है तकरीबन 66 साल आपने जिंदगी गुजारी है, आपकी उम्र मुबारक जो है 66 साल, 66 साल की उम्र में आप इस दुनिया से चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तो सब बच्चे जानते हैं, बड़े तो जानते ही होंगे, बच्चे भी जानते हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। वालदा का क्या नाम के हवाले से आप बताएं, ताकि हमारे प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार का नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार का नाम जो है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जो इनके साथ मैंने पहले अर्ज किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है 19 साल जिंदगी गुजारी है। और इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जद बुजुर्गवार, जिनके साथ इमाम ने 12 साल जिंदगी गुजारी है, वो इमाम के जद बुजुर्गवार है इमाम सज्जाद, जो मारूफ है। इमाम सज्जाद की एक किताब जो मारूफ है, सहीफे सज्जादिया, नौजवानों के लिए मुहिम है ये दुआ की जो किताब है हमारे पास, जो दुआएं हैं उसका मजमुआ जो है सहीफे सज्जादिया है। इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मशहूर मारूफ किताब जी। और वालिदा का नाम इमाम जाफर सादिक की वालिदा माजिदा का नाम जो है वो उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है सबसे ज्यादा जो है इंसानों की और शायान हिदर कर्रार की जो है तरबियत के हवाले से और तालीम के हवाले से इमाम ने गुफ्तगु की है, और जो है तालीम और तरबियत के हवाले से इमाम ने ताकीद फरमाई है जी। इमाम की विलादत और हम असर खुल्फा के बारे में कुछ बताएं। जी इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में जो है तकरीबन इमाम 5 खुल्फा के साथ इमाम ने जिंदगी की है, और इनमें से 3 खुल्फा जो है खुल्फाए बनी उम्मिया है। बनी उम्मिया के खुल्फा में से एक जो है हुशाम बिन अब्दुल मलिक है, और इसी तरह एक खलीफा का नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक है, और इसी तरह यजीद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक है। तो ये 3 जो है खुल्फा जो है बनी उमिया के दौर में, बनी उमिया के खुल्फा में से हैं, लेकिन आखिरी जो खुल्फा है बनी अब्बास के वो मंसूर है। और इमाम जाफर सादिक के नाम के बारे में भी वही जाफर है, और उसके बाद सादिक आपका लकब है। बाज ने कहा है कि इमाम जाफर सादिक का ये जो लकब है ये खुदा की तरफ से अर्श इलाही पर जो है ये सादिक आल मोहम्मद का जो लकब है, ये सादिक का जो लकब है वो खुदा ने ही अता किया है। इसकी वजह बाज कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक का एक भाई भी था, तो उन्होंने भी इमामत का जो है दावा किया था और अपनी इमामत का ऐलान किया था, तो उसकी झूठे को साबित करने के लिए खुदा ने इमाम जाफर सादिक का लकब जो है सादिक रखा है। इमाम जाफर का नाम जाफर है, लेकिन सदाकत तो तमाम अइम्मा अथार में सदाकत है, अहले सिद्क है, अहले सच्चाई है, लेकिन इमाम के इस उनवान को जो हाईलाइट किया है उसकी वजह यही है कि उस दौर में एक और शख्स ने जो इमाम का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, अगर गलत तरीके से इमामत का दावा करें तो खुदा उसको क्या करता है, नाउमेद करता है, उसको उसके खिलाफ
लिहाजा खुदा ने इमाम सादिक की सदाकत को लोगों तक पहुंचाने के लिए इमाम के नाम के साथ सादिक का जो है उनवान भी खुदा ने अता किया है इमाम जाफर सादिक। जी जी जैसा कि भी आपने बताया कि इमाम की जिंदगी में बनी उमैया बनी अब्बास के दौर में मौला की जिंदगी थी, तो इनमें क्या दरमियान शदीद इख्तलाफात के दौरान कौन से अजीम कारनामे अंजाम दिए मौला ने? मौला के उस दौर में जो है सबसे मुहिम बात जो थी वो ये है कि बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में झगड़ा चल रहा था और बनी उमैया के खिलाफ बनी अब्बास ने ये उनवान कहकर कि हम जो है बनी जहरा को हुकूमत देंगे और फरजंदान अली को हुकूमत देंगे और फरजंदान अली की हम हिमायत करेंगे, ये कहकर उन्होंने बनी उमैया के खिलाफ जो है आलम बगावत बुलंद किया और उनके साथ जंग हुई। लेकिन इमाम जाफर सादिक की बसीरत थी, इमाम किसी जंग में न इमाम ने शिरकत की न किसी की मुखालिफत की न किसी की तायद की, बल्कि इमाम ने सबसे ज्यादा इस फुर्सत को गनीमत जानकर इमाम ने, क्योंकि रिवायत में भी है अल फुर्सत तमुर्रु मर्रस सहाब, फुर्सत जो है बादल की तरह जो है गुजर जाता है, तो लिहाजा फुर्सत के लिए आकिल इंसान ये है कि फुर्सत से कम हकहु इस्तेफादा करें, फुर्सत से इस्तेफादा करें। तो इमाम ने सोचा ये बेहतरीन वक्त है, फुर्सत है कि उस इस फुर्सत से बेहतरीन इस्तेफादा किया जाए। वो क्या है? जो खला है, जो फासला है मकतब तशय्यु में उलूम के हवाले से, तो इस उलूम के प्रचार किया जाए। तो इमाम ने उनके इख्तिलाफात से जो मुहिम, सबसे मुहिम और सबसे बड़ा जो काम किया है वो मदरसा सादिकी या दानिशगाह सादिकी या दानिशगाह आले मोहम्मद, जो भी आप नाम रखें, इमाम ने दीन की प्रचार की, मकतब की प्रचार की, कुरान की तफसीर शुरू की इमाम ने, और मुख्तलिफ फिक्र हो उसूल और मुख्तलिफ मौजूआत पर इमाम जो है अपने शागिर्दों को दरस देकर मकतब की, मकतब तशय्यु की बुनियाद को इमाम ने मजबूत कर दिया उनके इख्तलाफात। वरना अगर इमाम भी उनमें किसी साइड पे हो जाते तो दीन को जो है कमा हकू या दीन की अबियारी के लिए वो जो इल्मी जो खिदमत थी वो रह जाती थी। लिहाजा उस मौके से इमाम ने इस्तिफादा करके दीन को इल्मी तरीके से जो है दीन की अबियारी की, दीन की सही माना में इल्मी सुतूनों को मजबूत कर दिया इमाम ने इल्मी हवाले से। बेशक बेशक इमाम ने किन उलूम को उलूम की हसूल की नहीं ज्यादा ताकीद फरमाई है? जी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है अलबत्ता खुद इमाम के दौर में दो किस्म के शागिर्द इमाम के पास थे, एक शागिर्द खुसूसी एक शागिर्द उमूमी। यानी उमूमी शागिर्दों की तादाद तकरीबन मसलन 4000 से ऊपर बयान करते हैं, लेकिन खुसूसी शागिर्द कुछ थे, उनमें से बास को इमाम ने फिक्र के लिए इसे मसलन मुशखस किया, या जैसे जुरारा वगैरह है मसलन, बास को मसलन इल्म रियाजी के लिए इंतखाब किया, बाज को उसूल के लिए, बाज को तफसीर के लिए। तो मुख्तलिफ शोबों में इमाम के पास आते थे, ये खुसूसी शागिर्द है। लेकिन उमूमी तौर पर जो इमाम के पास आते थे वो 4000 से जायद मस्जिद नबवी या मस्जिद कोफा में बहुत से इमाम के शागिर्द काल सादिक कहने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि इमाम के इल्म से फैज हासिल करने के लिए लोग इंतहाई ख्वाहिश रखते थे। और लिहाजा इमाम जाफर सादिक ने भी मौके को गनीमत जानकर जो है कमा हक़हु मुख्तलिफ उलूम में जो है तशनगान मारिफ अहले बैत को उलूम आले मोहम्मद से सैराब किया। और जो आपका, जी आपका जो सवाल है वो रह गया, वो आपने सवाल किया था कि किन उलूम की अहमियत के बारे में या किन उलूम को हासिल करने में इमाम ने ताकीद की है। अलबत्त इमाम ने चार उलूम के बारे में ज्यादा ताकीद की है कि सबसे पहले नंबर पर इल्म-ए-खुदाशिनासी के लिए इमाम ने ताकीद की है। खुदाशिनासी जिसे कहते हैं तौहीद या अकायद, उलूम-ए-अकायद की इमाम ने ताकीद की है। खुदाशिनासी हो, उसमें माद शिनासी हो, अंबिया शिनासी हो, खुलासा उसमें सबसे पहले नंबर पर यानी तौहीद शिनासी, यानी खुदा की तौहीद की मारिफत हासिल करने के लिए इमाम ने ताकीद की है। जी दूसरे नंबर पर इमाम ने जो है इल्म वजीफा शिनासी, बस खुदा शिनासी के बाद हमारा क्या वजीफा है, हमारा वजीफा है कि मसलन कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे मसलन हज करना है, हलाल क्या है, हराम क्या है,
मबाह क्या है, मकरूह क्या है, इन चीजों को भी हासिल करना जरूरी है। इसलिए इमाम ने कहा है तौहीद के बाद, खुदा शिनासी के बाद वजीफा शिनासी का इल्म भी हासिल करना जरूरी है और जो है अहमियत के हामिल है, इमाम ने ये बयान फरमाया। तीसरे नंबर पर इमाम ने जिस इल्म के लिए ताकीद की है वो है इंसान शिनासी। इंसान शिनासी भी मुहिम है। इंसान शिनासी की भी दो तरह के हम तस्वुर कर सकते हैं, इंसान शिनासी जिस्मी लिहाज से भी, इंसान शिनासी और रूही लिहाज से भी। इंसान शिनासी जिस्मी, जैसे तिब के जो उलूम है, जैसे मसलन डॉक्टर के जो उलूम है, इस तरह के लाइन, या रूही लिहाज से जो रूहानी गजा है, तरबियती हवाले से, अखलाकी हवाले से, जिन चीजों से परहेज करना है, जिन चीजों को अंजाम देना है रूह के इर्तका के लिए, लिहाजा इंसान शिनासी भी जरूरी है। उसके बाद इमाम ने फरमाया आसिब शिनासी, इंसान नक करे, यानी जो खामी है उन खामियों को, या जो मुश्किलात है उन मुश्किलात की भी शिनासाई हो और उनको रफा करने की कोशिश करे। तो ये चार उलूम को हासिल करने की ज्यादा ताकीद की है, वाजिब करार नहीं दिया है। वाजिब से मुराद जाने अगर खुदा शिनासी इंसान जो है ये नहीं है कि मसलन किसी से हासिल करे, बल्कि खुदा शिनासी के लिए इंसान खुद अपने अकिल को बरोए कार लाए, तो बाकी चीजें जो है इंसान अपने वाजिबात की हद तक मसलन मारिफ और खुसूसन अहकाम जानना जरूरी है, लेकिन बाकी उलूम या इंसान शिनासी आसिब शिनासी वगैरह इंसान के लिए वाजिब तो नहीं है। लेकिन वो दो उलूम जिसमें इंसान के लिए जरूरी है, खुदा शिनासी, मारिफत शिनासी, ये परवरदिगार, ये चीजें इंसान के अहकाम के हद तक जो है अपने अकल के हिसाब से खुदा की वजूद का हमें इलम होना जरूरी है। और इसी में तौहीद शिनासी में, या मामूलन उसूल दीन में, क्या है, तकलीद भी नहीं है। उसूल दीन क्या है, इंसान अपने अकीदे के हिसाब से, अपने अकल के हिसाब से खुदा की वजूद का इलम हासिल करना चाहिए। जी आपने ये माशाल्लाह से चारों चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं, हमारे सुनने वाले खास तौर से जो यंग जनरेशन है उनकी समझ में इंशाल्लाह आएगी। बहुत अच्छा आपने समझाया। अच्छा, दूसरे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि रिक्स हलाल और मेहनत व मजदूरी के हवाले से इमाम ने बहुत ताकीद फरमाई है, तमाम 14 मासूमिनों ने ताकीद फरमाई है। हमारा जो आज इमाम है, मासूम है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, इनकी रोशनी में बताएं रिस्क हलाल और मेहनत मजदूरी के हवाले से। जी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तरफ अगर हम तवज्जो करें तो सादिक आले मोहम्मद अपनी जिंदगी में रिवायतों में मिलता है, तारीख बताती है कि इमाम जो है खुद बेनफ्स नफीस अपने मजरा में, या इसे कहते हैं कि अपने बाग में या खेत में, खुद बेनफ्स नफीस जाते थे। शख्स इमाम जो है वहां पर काम करते थे गर्मियों में, हद इस हद तक काम करते थे कि पूरा बदन जो है पसीना पसीना हो जाता और लिबास जो है तर हो जाते थे पसीने मुबारक से। खुद काम करते थे अपने दस्त मुबारक से, फलों को और जरात के लिए, या जिस जिस दरख्त को पानी की जरूरत हो तो इमाम बेनफ्स नफीस उन दरख्तों को पानी देते थे और मजराए में काम किया करते थे। अभी उमर शेबानी वो रिवायत करता है कि कहता है कि एक दिन मैंने देखा कि इमाम अपने मजराए में बाग में काम कर रहे थे और अरक से जो है आपके बदन मुबारक और लिबास मुबारक तर हो गया था। तो मैंने इमाम से इजाजत मांगी और कहा कि मौला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका हेल्प करूं, आपकी मदद करूं, और आप बहुत पसीना पसीना हो गए हैं। तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं और मुझे पसंद है कि हलाल रिज़्क में मैं खुद अपना काम, रिज़्क कमाने के लिए, रिज़्क हलाल के लिए अपने हाथ से काम करूं और मेरा बदन इस गर्मी में पसीना पसीना हो जाऊं, ये मुझे पसंद है रिज़्क हलाल के लिए। और इसी तरह एक और रिवायत में मिलता है कि जो है एक शख्स जो है मुताज्जिब होकर सवाल किया जब इमाम काम कर रहे थे कि यबन रसूलुल्लाह, आप भी बाग में काम करते हैं, आपकी मसलन खेती बाड़ी करते हैं। तो वो ताज्जुब से जब पूछने लगा तो इमाम ने कहा क्या हम काम नहीं करेंगे? इमाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने हलाल रिज्क कमाने के लिए, रिज्क हलाल के लिए पसीना बहाता है, उसके पसीना का तकद्दुस शहीद के खून के बराबर है। यानी उसके पसीने का तकद्दुस शहीद के खून के बराबर में है, यानी उसकी अजमत बराबर इतने बुलंद है। तो ये इमाम ने फरमाया। जी ये मेहनत के ऊपर है।
कि मेरे बिल्कुल चेहरे मेहनत की ताकीद है, मेहनत किए बगैर इंसान का इल्म में मेहनत की जरूरत है, रिज़्क़ कमाने में मेहनत की जरूरत है, मानवियत में दुआ राज और नियाज के लिए भी मेहनत की जरूरत है। जब तक मेहनत ना हो मानवी लिहाज से इंसान बुलंदी की तरफ नहीं जाएगा, मेहनत ना हो तो इल्म हासिल नहीं होगा, मेहनत ना हो तो रिज़्क़ नहीं कमा सकेगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे बंदे वाकई इलाही भी नहीं है, हम अमली लिहाज से हम रूही लिहाज से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और मैं अभी आपसे सवाल जवाब जब आप जवाब दे रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरे एक जहन में एक सवाल खुद अभी आया। जैसे कि हमारे माशरे में एक ही बुराई है कि दिल में बात लेके बैठ जाते हैं जी हम। आपके मिसाल के तौर पर मेरी आपसे कोई बातचीत हुई, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, नेबर्स हों, तो वो दिल में बात लेके बैठ जाते हैं कि वो दिल में बुराई लेके बैठ गए। तो इसके बारे में भी आप बताएं कि ये चीज किस तरीके से हल की जा सके, की जा सकती है, और सुलह रहमी के बारे में बताएं कि मौला जी की जी हवा जी जी दिल के जहां तक आपने दिल की बात की तो मोमिन के अलामत रिवायात और कुरान में ये है कि इंसान का दिल आईना की तरह होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए, और दूसरे मोमिन के मुकाबले में हुस्न नजर रखना चाहिए, और दूसरे मोमिन के हर काम को जो है हम मनफी ना सोचें। मोमिन के हर काम को हत्ता जाहिरी तौर पर भी मनफी देख रहा हो, गलत देख रहा हो, फिर भी उसको कई दफा जो है हमुल बसिहत करें, उसके उसके मुकाबिल में जो है हम हुस्न नियत रखें, हुस्न जन रखें, न इनके सुए जन। दूसरी बात, मोमिन की अलामत ये है कि अगर किसी की तरफ से कोई कमी या किसी की तरफ से कोई मसलन शर या किसी ने दूसरे मोमिन के ऊपर कोई जुल्म किया है या नुकसान किया है या उसको गुस्सा दिलाया है, तो मोमिन की अलामत ये है कि अफ़ दरगुजर करना, माफ करना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन्नास, लोगों के जो है गलत जो अजियतें जो लोगों ने दी है, तकलीफें पहुंचाई है, उसको क्या है कज़्म गैज़ करना, क्या है गुस्से को पी जाना, ये मासूम की सिफत है या इमाम अत्थार की सिफत है। कुरान ने भी कहा है क्या है माफ करना, खुदा की सिफत है कि खुदा खुद कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर जो है अफ़ दरगुजर करने के लिए फरमाया है, और खुद खुदा की सिफत में से एक ये है कि माफ करना। दिल में जो है दूसरे के बारे में, हाँ मुझे तुम फलान टाइम पे फलान वक्त में फलान ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसको ये बदला दूंगा, ये मोमिन की अलामत नहीं है। बदले के पीछे ना रहे, दिल साफ रखे। खुदा खुद फरमा रहा है कुरान में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्ना अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया। खुदा तो बहुत कुछ कर सकता है हमारे गुनाहों के मुकाबले में, हमारी कोई इताअत नहीं है, हमारी कोई इबादत नहीं है, हमारी बंदगी नहीं है। इमाम सज्जाद को सय्यिदु साजिदीन कहते हैं, वो इमाम खुद कह रहा है कि अगर तुम्हें अमीर अल मोमिनीन की इबादत अगर तुम देख लेते तो तुम क्या करते। यानी वो इमाम अमीर अल मोमिनीन और इमाम सज्जाद इतनी सारे इबादत के बावजूद भी खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, रोते हुए। मुख्तलिफ किताबों में हम जब मुताले करते हैं तो रिवायतें मिलती है कि खुदा की बंदगी का इजहार इस अंदाज में करते हैं कि परवरदिगारा मुझे रोज कयामत में शर्मंदा न करना। या इमाम जाफर सादिक की जिंदगी पर आप मुताले करें, नमाज के लिए जब जाते हैं इमाम, तो हालत नमाज में यानी नमाज के वक्त में इमाम के चेहरे का रंग जो है बदल हो जाता है, जर्द हो जाता है। क्यों? चूंकि खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, खुदा से राज नियाज करने के लिए जा रहा है। और इसी तरह मासूमीन की रिवायत है कि जब हज पे जाते हैं तो वहां तलबिया पढ़ते हैं कि लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, तो इमाम रो रहे थे। सहाबी ने पूछा या अपने रसूलुल्लाह आप इतने रो रहे हैं, कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं लबैक लबैक कह रहा हूं, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की तरफ से ला लबैक की आवाज आ जाए। मासूम इस हद तक परेशान है, तो हम जो है किस तरह खुश हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने आमाल को ठीक करें, अपनी नीयतों को ठीक करें, दिल को दूसरे मोमिन के मुकाबले में ठीक करें। दूसरे के ऊपर एतराज करने से पहले अपने ऊपर सोचें कि क्या मैं खुद ठीक हूं, क्या मैं खुद सही हूं। मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने रब को पहचान लिया। लिहाजा पहले अपने आप को ठीक करें, पहले तज़किया नफ्स हो, फिर मुआशरे की इस्लाह करें, फिर दूसरे बरादरान दीनी के बारे में कहें। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है
कि हम दूसरे मोमिन के निस्बत जो है अपने कुलूब को ठीक करें। और हमसाये के हुकूक के बारे में जब आपने इसी सवाल के जमीन में पूछा, तो इमाम जाफर सादिक की रिवायत के मुताबिक जो हुकूक हमसाया अंजाम देते हैं या अपने खेश अकारीब के साथ राबिता रखते हैं या जो है सिल्ले अरहाम बरकरार रखते हैं, तो सिल्ले अरहाम के असरात में से या उसके आसार में से एक मुहिम आसार है, इंसान की उम्र क्या है, तूलानी हो जाती है, उम्र दराज हो जाता है, उम्र में इजाफा हो जाता है, यानी तूलानी उम्र के बाइस क्या है, सिल्ले अरहाम की वजह से। अगर खुदा नखास्ता कोई सिल्ले अरहाम को रद्द करे या मसलन सिल्ले यानी अरहाम के साथ राबिता मुनकती करे, बरादर बरादर के साथ, औलाद वालिदैन के साथ या जो खूनी जो रिश्ते हैं, अगर उनके दरमियान फासला हो और राबिता मुनकती हो जाए, तो जिसने शुरू किया है, जिसने ये राबिता मुनकती किया है, उसकी उम्र में कमी आ जाती है, उसकी उम्र घट जाती है। ये रिवायत है। अच्छा अच्छा ये तो बहुत ही ताकीद वाली बात है कि हम जो है सुलह रहमी रखें अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, दिल में बुराई ना रखें, दिल साफ रखें और जो है ताल्लुक को कायम रखें। ताल्लुक को कायम होने पे रखने पे बहुत ताकीद फरमाई गई है। जी जी, रिवायत है इमाम जाफर सादिक की रिवायत में यही है कि इंसान की तुलाने उम्र अगर होना चाहते हो या शहरें शहर आबाद, अगर तुम आबाद शहर को देखना चाहते हो या लोगों की कसीर तादाद को देखना चाहते हो, तो आबाद शहर का मतलब यही है कि लोग जब जिंदा होंगे तो शहर आबाद करेंगे। तो उसकी अल्लतों में से एक अल्लत यही कि सिल्ले अरहाम का सिलसिला जहां पर बरकरार है तो शहर आबाद है, शहर आबाद रहेंगे, घरें या आबाद रहेंगे। लेकिन अगर कोई सिलसिला, ये सिलसिला जो है अरहाम का सिलसिला बरकरार नहीं है, राबिता सिलसिले अरहाम नहीं है, तो उस वक्त जो है उम्र घट जाती है, तुलानी उम्र की जगह पर जो है कमी उम्र वाकई होगी, लोग दुनिया से जल्दी चले जाएंगे और शहरें वीरान हो जाएंगी। यानी कि मतलब ये कि जिन लोगों को अपनी उम्र ज्यादा चाहिए वो सुलह रहमी ना करें। बेशक बेशक, बिल्कुल सही सही। अच्छा, और इसी तरीके से हमसायों का भी काफी हकूक है हमारे ऊपर, तो हमसायों के बारे में, उनके एहतराम के बारे में बताएं। बहुत मुहिम, जी जी, बहुत ही इंतहाई, जी जी जी, बहुत जी, सवाल बहुत ही जरूरी और इंतहाई लाजिम सवाल है कि हमसाये के हकूक के बारे में जो है रसूल गिरामी इस्लाम ने भी ताकीद की है और इसी तरह मौला अमीर अल-मोमिनीन ने भी ताकीद की है और इसी तरह तमाम अइमाए अतहार ने, हत्ता हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत ये है कि हजरत जहरा की अजमत ये है कि इमाम जमाना अज्जलल्लाह फरजहु शरीफ जो कायम आले मोहम्मद थे, जिसके वजूद के तुफैल से ये कायनात अभी बरकरार है, इमाम जमाना खुद फरमाते हैं कि पैगम्बर की बेटी हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा मुझ इमाम जमाना पर हुज्जत थे। तो हुज्जतों के हुज्जत हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा जो है हमसाये के हुकूक के बारे में इस अंदाज में बयान करते हैं कि इमाम हसन से रिवायत है, इमाम हसन फरमाते हैं कि जब मैं रात भर देख रहा था कि मेरी माँ जहरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज शब के बाद तमाम लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, गैर के लिए दुआ कर रही है, तो मैंने सवाल किया कि मादर गिरामी क्या हमारे लिए कोई दुआ नहीं फरमाती? तो जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का अंदाज देखें, बसीरत देखें, जहरा मर्जिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है अव्वल जार सुम्मतदार, पहले हमसायों का हुकूक है, पहले हमसायों के लिए दुआ करना है, पहले उनकी मुश्किलात के बारे में सोचना है, फिर हम अपनी मुश्किलात के बारे में सोचेंगे। तो ये जहरा की सीरत है, हमसायों का ख्याल रखना है। इसी तरह बाज मकामात पर पैगंबर ने इतनी ताकीद की हमसायों का ख्याल रखने के लिए कि लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की ताकीद से ये महसूस हो रहा है कि हम एक दूसरे के हिस्सेदार बन जाएंगे, एक दूसरे के जमीन का भी हिस्सेदार बन जाएंगे, एक दूसरे के मकानात का भी हिस्सेदार बन जाएंगे। यानी इतनी ताकीद की है हमसायों के हुकूक का ख्याल रखने के लिए रसूल गिरामी इस्लाम ने, तो लोग हत्ता ये महसूस करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के मकानात भी तकसीम करें। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी ताकीद है हमसाया की हुकूक के लिए। और वही रिवायत जो इमाम जाफर सादिक की रिवायत है जो पहले मैंने बयान किया, उसकी अरबी यह है कि हुस्नुल जवारी
यूअम्मिरु दियार व यजीदु फिल इमार। तो वही जो मैंने कहा था कि हमसायों से अच्छाई करना, हमसायों के साथ नेकी करना जो है क्या होता है, शहरें आबाद हो जाती है और उम्रें, इंसान की उम्र तोलानी हो जाती है। और जो है अगर इसके मुखालिफ में अगर इंसान काम करे, हमसायों को अजियत दे या इसी तरह क्या है सिले अरहाम से राबिता मुनकती करे, तो शहरें वीरान और जो है उम्रें घट जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आदाब मुलाकात जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर में भी बताई, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी हमारे लिए, हमारे जी जी ये हमारे खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए बुजुर्गान का ये वतीरा है, बुजुर्गान इन चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन नौजवान नस्ल खुसूसन जो यूरोप में हमारे नौजवान नस्ल है, वहां पर पैदा हुए हैं, वहां के रसूमात के लिहाज से शायद इसका ख्याल नहीं रखते, वो भी जानबूझ कर नहीं, वहां के माहौल के हिसाब से। कभी माहौल भी असर होता है इंसान की तरबियत में। चार चीजें अहम रोल अदा करती हैं, उनमें से एक जो है सोसाइटी है, मुआशरा है। मुआशरा इंसान की जिंदगी पर जो है असरअंदाज हो सकता है, सोसाइटी असरअंदाज हो सकता है। तो वहां के मुआशरे के हिसाब से मुमकिन है कोई ये काम अंजाम ना दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से जब मुलाकात हो तो सबसे पहला काम सलाम अरज करना है, दूसरे के लिए सलाम के साथ पहला आगाज करे। इब्तिदाए काम आगाज क्या है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले, एक बरादर दीनी दूसरे बरादर दीनी से उसकी मुलाकात हो, उसके साथ रफ्त आमद का पहला आगाज जो है, जो आप लोग इंग्लिश में यूरोप में रहने वाले हेलो से करते हैं, इस्लाम कहता है कि अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका इस तरीके से आगाज करे। इस्लाम दीन सलामती है, पैगाम दोस्ती दे रहा है, दूसरे को मोहब्बत का इजहार कर रहा है और दुआ भी कर रहा है, तुम सलामत रहे, मेरी ख्वाहिश है कि तू सालिम रहे, आबाद रहे। तो लिहाजा इस्लाम दीन सलामती है, आगाज जो है मासूमीन फरमाते हैं सलाम से करें। और कुरान में भी है, मासूमीन की मुतअद्दिद रिवायात में भी है, और हत्ता इमाम हसन मुज्तबा या किसी और मासूम से रिवायत है कि मेरे जहन में काफी अरसा पहले मेरे नजरों से यह रिवायत गुजरी, तो उसमें यह भी बयान फरमाया है कि अगर कोई सलाम से पहले गुफ्तगू करना चाहे तो उसकी गुफ्तगू का, उसकी बातों का जवाब ना दे जब तक वो सलाम ना करे। ये आदब इस्लामी है, और बेअदबी है कोई बगैर सलाम के आगे कोई किसी को कहे कि मेरा ये काम करो, आपने वो काम अंजाम दिया नहीं दिया, एकदम से बातों का आगाज करे, गुफ्तगू करे, ये आदब इस्लामी नहीं है। आदब इस्लामी ये है पहले सलाम करें उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करें। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि सलाम से एक दूसरे का जो है दूसरे के साथ राबिता बरकरार करें, और दीन का जो है आदाब में से कि एक दूसरे से जब मुलाकात होती है तो इब्तिदा सलाम से करें। जी ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि सलाम में पहल करने का कितनी फजीलत है, और सलाम में बड़ा छोटे की कोई वो नहीं है कि मैं मिसाल तौर पर मैं बड़ा हूँ मेरा छोटा कोई आ गया है या मैं आ गया हूँ, तो छोटे बड़े की कोई लिहाज है, जो भी सलाम में पहल करेगा उसकी क्या फजीलत है, उसकी क्या अहमियत है, ये भी बताएं। बिल्कुल, सलाम खुद मुस्तहब है, सलाम करना मुस्तहब है, अलबत्त वाजिब नहीं है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर किसी ने आपको ये ज़हन में रखे, अगर किसी ने आपको सलाम किया तो आपका उसको जवाब देना वाजिब है। हत्ता रिवायत में है कि आप बेहतर अंदाज में उसके सलाम का जवाब दें, बेहतर अंदाज में। किसी ने कहा सलामुन अलैकुम, तो जिस पर सलाम का जवाब देना वाजिब है उसके लिए ये भी कहा है कि वो बेहतर अंदाज में जवाब दे। वो कैसे, वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इस तरह, या कोई और दुआ भी इजाफा करे, रहमल्लाह वालिदे, किस तरह की दुआएं, तो ये बेहतर अंदाज में, ताकि उसकी जो है उस मुस्तहब अमल पर और उसने सलाम में जो पहल किया है और उस मुस्तहब को अंजाम दिया है, तो उसके लिए एक किस्म का जो है आप तशवीक और इनाम दे कि अपने दुआओं के जरिए उसकी सलामती के लिए बेहतर अंदाज में दुआ करे, ताकि ये सिलसिला जामिया में ज्यादा हो और लोग जो है सलाम की अहमियत को समझे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि सलाम के हवाले से आया, इसमें कोई उम्र का कैद है, मसलन छोटे को जरूरी है कि हर वक्त बड़ों के लिए सलाम करें, ना, सलाम करना हर एक पर जो है मुस्तहब है, लेकिन खुशकिस्मत वो इंसान है जो सलाम में पहल करते हैं। रसूल की सीरत तो ये थी
سیرت رسول جو معلم بشریت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات لما خلق الافلا، اے رسول اگر تجھے خلق کرنا میری مشیت میں نہ ہوتی تو میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا. تو اس رسول کی عظمت یہ ہے کہ بچوں میں جاتے ہیں تو پہل کرتے ہیں سلام کے لیے لوگوں کے سامنے، جہاں جہاں رسول پہنچے وہاں پر جو ہے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں. یہ سیرت ائمہ ہے، سیرت رسول اللہ ہے. لہٰذا یہاں پر بڑے اور چھوٹے کی وہ نہیں ہے، لیکن البتہ بعنوان احترام اگر کوئی بچہ جلدی پسند باپ کے لیے یا بزرگ کے لیے استاد کے لیے سلام کرے تو ایک اور ٹاپک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بطور عموم سلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بلکہ جو پہل کرتا ہے وہ کامل انسان اور کامیاب اور خوش قسمت انسان. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی بڑا ہے تو وہ نہیں کرے گا، تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پروگرام جو ہے ہمارے بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پروگرام کے ذریعے اپنی اصلاح کریں یا میری اصلاح کریں ہوگی. اس میں یہ کہ کوئی چھوٹا آ جائے تو آپ بڑے بغیر بیٹھے ہیں تو وہ بھی سلام کر سکتے ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہی تربیت ہے، یہی دین مبین اسلام کی جو ہے فضیلت ہے دوسرے ادیان سے. ہمارے مکتب اہل بیت میں، دین مقدس اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہے. حتیٰ یہ کہا ہے بچوں کو زیادہ اہمیت دے، بچوں کو زیادہ تشویق کرے تاکہ بچے شوق سے دین کی طرف آ جائے. مسجد میں آنا ہم منع کرتے ہیں، ہاں ان بچوں کو منع کرنا ٹھیک ہے جو مثلا نجاست و پاکی کے اس کے جو ہے خیال نہیں رکھتے، لیکن عمومی طور پر بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں. معصومین کی سیرت یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کبھی صدقہ تھما کر یہ کہتے تھے کہ یہ بچوں کے ہاتھ کے ذریعے فقراء کے ہاتھ میں جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچے کو تعلیم دے رہا ہے کہ فقراء کا بھی خیال رکھنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، چاہے مستحب صدقہ ہو چاہے واجب صدقہ ہو. کبھی صدقہ علنی طور پر دینے کا ثواب ہے، کبھی صدقہ مخفی دینے کا ثواب ہے. دونوں کے مقصد فرق ہے، نیت میں فرق ہے. جو علنی صدقہ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں اور سیکھیں اور یہ اچھے کام کی ترویج ہو معاشرے میں، اس طرح. اور مخفی صدقہ چھپ کر رات کی تاریکی میں کہیں، جس طرح امیر المومنین اور امام سجاد اس طرح کرتے تھے، فقراء کے گھروں پر ضروریات زندگی کو پہنچاتے تھے، چھپا کر اس لیے دیتے تھے کہ اس فقیر کا جو ہے عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، لہٰذا اس لیے چھپا کر دیتے تھے. تو چھپا کر دینے کے بھی فوائد ہیں اور علنی دینے کے بھی فوائد ہیں. اسی طرح معصومین بھی کبھی علنی صدقہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما کر بچوں کے ذریعہ فقراء کو دیتے تھے تاکہ بچوں کو ابتدائے زندگی سے جو ہے یہ تربیت ملے کہ فقراء کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو سلام میں بھی جب ہم پہل کرتے ہیں تو بچے کے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ سمجھے گا کہ یہ بزرگ، یہ اتنے سال کا عمر، مثلا 50-60 سال کے جو ہے بزرگ جو ہے جب مجھے سلام کر رہا ہے تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں بچہ نوجوان ہوتے ہوئے میں اس کا زیادہ احترام کروں. تو اسلام کی تربیت دیکھیں، عملی تربیت اسی کو کہا جاتا ہے، عملی تربیت ہے. جس طرح امام حسن و امام حسین جو ہے دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کوئی شخص وضو کر رہا ہے، لیکن وضو شروع سے آخر تک اس نے وضو غلط طریقے سے کیا. تو حسنین چونکہ دامن زہرا میں تربیت یافتہ، دامن اہل بیت، دامن امیر المومنین میں تربیت یافتہ نواسۂ رسول ہے، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جا کر اس یا اس کام سے مثلا ہنسے یا اس کو مثلا کہے کہ آپ نے وضو غلط کیا. نہیں، کہا کہ اے شخص، ہم دونوں ایک ایک کر کے ہم وضو کرتے ہیں، تو ہمارے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھیں، اگر ہم وضو غلط کر رہا ہے تو ہمیں سمجھاؤ. تو پہلے امام حسن نے وضو کیا، اس کے بعد امام حسین نے وضو کیا. دونوں کے وضو جب مکمل ہوئے تو وہ شخص خود اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو وضو کیا ہے وہ وضو غلط ہے. یہ دونوں سردار جنت نے جو وضو کیا ہے، جوانان سردار جنت نے جو وضو کیا ہے، ان دونوں کا وضو ٹھیک ہے. تو بوڑا شخص نے کہا کہ آپ دونوں کی وضو صحیح ہے، جو وضو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اس انداز سے سمجھائے. تو سلام میں بھی یہی ہے، جب آپ طریقے سے اس کو سلام کریں گے تو وہ بچے بیشتر سمجھے گا اور وہ محفل میں آنے سے محبت کرے گا. جب وہاں پہ پیار ملتا ہے، احترام ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے، اس کے لیے شخصیت ملتا ہے. بچوں کے لیے شخصیت آپ جب تک نہیں دیں گے وہ مجلس و محفل و نماز و جماعت سے دور ہو جائیں گے. بچوں سے محبت
پیار اور ان کو ان کی زبان میں گفتگو کرنا, حتیٰ بچوں سے کھیلنا بھی اسلام میں ضروری ہے بعض مقامات پر, تاکہ بچہ جو ہے اچھے کاموں کی طرف بچے کا ذہن مائل ہو جائے. یہ بھی فزیکل مینٹل وہ ہے ایکٹیویٹی, بچے کے ساتھ کھیلنا. جی پیغمبر کی سیرت یہی ہے, حسنین کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کے جو ہے سواری کے جگہ پر جو ہے کہا کہ عرب کی فلان سواری اس طرح ہے, یا مثلا تو پیغمبر نے حسنین کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر جو ہے خود, جس طرح وہ واقعہ مشہور ہے, جب حضرت عمر نے دیکھا کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے, تو رسول پلٹ کر جو ہے رسول نے فرمایا کہ یہ نہ کہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ کہیں کہ سوار کتنے اچھے ہیں. سوار کتنے اچھے ہیں, تو رسول گرامی اسلام کے کاندھے پر حسنین سوار ہے, تو مطلب کیا ہے؟ رسول حسنین کے ساتھ کبھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تربیت کے حوالے سے جو ہے کیا ہے ایک قسم کا جو ہے ان کو ناز کرتے تھے تاکہ بچہ جو ہے خوش رہے, اور یہ طریقہ تربیت بھی ہے. والدین ابھی ہمارے جو ہے اس دور میں جو ہے سب مصروف ہے, کوئی کمپنی میں, کوئی دفتر میں, کوئی کسی کام میں مصروف ہے, رات کو دیر سے پہنچتے ہیں, بچے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو بچہ بعد میں کیا بنے گا؟ والد کا مہر و محبت نہیں ہے, والدہ کی کوئی موبائل پہ لگے ہوئے, کوئی لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے, کوئی اپنے کمپنی میں ہے, کوئی کاروبار کی اس فکر میں ہے, کوئی دولت کمانے کی فکر میں ہے. اولاد کے لیے سب سے مہم چیز یہ ہے کہ والدین کی محبت ہو, والدین کی طرف سے احترام ہو, اور ان کے زندگی کے اوپر خیال بھی رکھے کہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں, کوئی سوالات ہے کہ نہیں, اس کے لیے وقت دیں, کچھ ٹائم دے بچے کے لیے. جب تک ٹائم نہیں دیں تو بچہ اسٹریس کا شکار ہو جائے گا, ٹینشن کا شکار ہو جائے گا, پھر جو ہے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ ساری مشکلات والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے اور پیار و محبت نہ ملنے کی وجہ سے اور معاشرے میں جو ہے ان کو کیا ہے ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے اور احترام نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات رونما ہوتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا. میں آپ کا اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے.